नमस्ते, प्रणाम। मैं राज सिंह। अभी मैं जहाँ चौसा थर्मल पावर के लिए रेलवे लाइन और पाइप लाइन का कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पे किसानों के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है और इन किसानों से भी हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि ज्ञात हुआ है सूत्रों से, इस साइड में आप दिखाइएगा, यहाँ पे मशीनें चल रही थी और ज़बरदस्ती, किसानों का कहना है कि ज़बरदस्ती ये मशीनें चल रही थी। आपको दो दो मशीनें सामने में दिख जाएंगी। और जो SJVN के CEO हैं और भी जो यहाँ पे अधिकारी आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग मिल के बातचीत करेंगे, क्या आखिर मसला है, क्या मसला है और क्यों इस तरीके से किसानों को कई दिनों से धरने पे, उनका क्यों समस्या का निपटारा नहीं हो पा रहा है। कौन अधिकारी यहाँ पे कोई? जी सर बताइए, क्या नाम होगा आपका? बात कीजिए उधर, हम लोग CEO साहब से बात कीजिए। CEO साहब कहाँ है? CEO साहब है, इधर बात कीजिए, इधर है CEO साहब, पीछे है। CEO साहब जो है, आपको तो हम पहचानते नहीं है सर, क्या समस्या है, क्या क्या किसान इस तरीके से क्यों परेशान? ऐसी कोई समस्या नहीं है जो जिला प्रशासन के साथ सबके बैठ के नहीं की जा सकती है। और यदि समस्या इस तरह का, बिना समस्या का समस्या तो कोई हमेशा समस्या ही रहेगा। पिछले बार भी जब DM साहब के ऑफिस में बात हुई थी, उन्होंने क्लियर कट कहा था, जो भी रेट है, बढ़ा हुआ रेट है, जो भी होगा होगा वो चीज को। लेकिन अब काम रोक के किसान इतने दिनों से आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी पता होगा। पता है, किसान को बुलाया भी गया है। इसके बाद यदि आप नहीं, बात कोई भी लॉ से ऊपर है, बताइए क्या STPL लॉ से ऊपर है? किसानों को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। किसान के साथ बातचीत हुई है? यही किसान तो नहीं बता रहे कि बातचीत हुई है। बातचीत के लिए जब DM साहब के पास जिस दिन गए, एक ही मेन मुद्दा था। आप कह रहे हैं, जैसे आपका कुछ मुद्दा है कि खाद का ये दाम माफ़ कर दो, ऋण माफ़ कर दो, STPL से हम उसी पर बात करेंगे जो STPL को पर्टेन कर रहा है। आपका सर परिचय? सर अब आप जा, फिर जब हम CEO, हाँ CEO हैं SJVN CEO। जी जी। और यहाँ लोकल CEO जो हम हम यहाँ के लोकल इंचार्ज हैं, मेरे सारे ऑफिसर हैं और सब हम लोग आपके पक्ष में। ये प्रोजेक्ट जो है, हम लोग ये नहीं चाह रहे कि प्रोजेक्ट कोई जबरदस्ती हम लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि जबरदस्ती इस तरीके से मशीन करने आप और खेतों में मेरे रख दिए गए हैं। अच्छा, किसान भी है इधर, सही बात है। सर से पूछा जाए कि इसका पैसा आपने दे दिया है, कंपनी ने दे दिया इस जमीन का पैसा? इसका पैसा जमा कर दिया है बिहार सरकार को। बिहार सरकार को? जी, बिहार सरकार के देने से आपको यहाँ पे काम लगवा दीजिएगा, किसी पे कहीं पे ले जाकर के काम लगवा दीजिएगा। हम लोग बिहार सरकार से अनुमति प्रदान किए और हर बार कैंप लग रहा है। सरकार का कहना है, हम समझ गए आपकी बातें, कह रहे हैं कि हमारी, कि अगर आप कह रहे हैं कि किसानों का पैसा बिहार सरकार के पास चला गया, सही बात है, इन क्यों पैसा इनके पास नहीं आया है किसानों का, तो इस पे किसकी जिम्मेवारी होगी? फिर दोनों की, सबकी जिम्मेवारी है, ये लोग आगे बढ़े। भारत सरकार, सरकार का नियम है कि आप बिना पैसा दिए कहीं पर मार्किंग नहीं कर सकते, कहीं पे काम नहीं कर सकते। ये मशीन काम करने के लिए आई है कि मार्किंग करने के लिए आई है? बिना पैसा दिए क्यों काम करेंगे आप? बिना नोटिस दिए किसी को क्या काम मिला? इसमें सारी कानूनी प्रक्रिया को ये किया जा रहा है। सर, कानूनी प्रक्रिया है तो जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से किसान आपको कैसे संतुष्ट होंगे, कैसे लगेगा किसानों को कि मेरा मुआवजा मिल गया या क्या नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? एक मिनट भैया, हमारे यहाँ के जो लैंड वाले आदमी, उसको हम बुला रहे हैं, फिर आपकी बात करवा देते हैं। लेकिन सर, ये तो आरोप आपके आप पे गंभीर लग रहा है ना, इतनी संख्या में आप प्रशासन बुलाए हुए हैं। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं तो प्रशासन की क्या जरूरत थी? प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं आएगा कुछ हंगामा को? जिला प्रशासन नहीं आएगी क्या, बताइए? हंगामा किस कारण? हंगामा किस कारण? जिस कारण, ठीक है, धन्यवाद। आज तक हंगामा हुआ है कहीं पे? इतना बड़ा प्लांट लग गया, हंगामा हुआ है उस काम में? उसमें धांधली हुई है, उसमें किसानों का पैसा रुका हुआ है, उसमें ना किसी को काम मिल रहा है जो किसान के जमीन गया है। अब बताइए कि क्या करेगा लोग? फिर पहली बार जो लूट लिया गया, फिर दोबारा लूट जाए? इसी तरह से, इसी तरह काम होता है? लाठीचार्ज सरकार का नियम है। लाठीचार्ज हुआ था सुबह सुबह? हुआ था एक बार लाठीचार्ज भी हुआ था सर। क्या कोई भी अधिकृत जमीन पर जब तक किसानों का मुआवजा नहीं मिल जाता है उनको, तब तक कोई काम नहीं लगेगा। भारत सरकार का नियम बना हुआ है। कहाँ पे काम करा रही है भारत सरकार? लिया बिना नोटिस दिए जमीन पूरी कब्जे का फूटा गाड़ दिया। कब्जा करिए क्यों, कहाँ का लिखा हुआ है? कहाँ संविधान में है? भारत संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? सर क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा आप लोग इस जगह बनाइएगा। क्वेश्चन है कि किसान कह रहे हैं कि हमारा मुआवजा मिला नहीं है, तो डायरेक्ट कैसे जमीन पे आप क्लियरिंग कर सकते हैं?
पिल्लिंग के लिए बहुत सारे लोगों को नोटिस गया है और काफ़ी लोग यहाँ थे, अभी हम जब आए थे तो बोले कि हमें नोटिस नहीं गया, तो अभी हम ये बाबा हैं हमारे भरत बाबा इनके सामने ही हमने कहा कि जिनको अगर नहीं नोटिस गया है, चेक और सर्वे का कोई इशू है तो आप लोग यहीं आवेदन लिख के हमें दीजिए, हम आपसे कहे बाबा, और बाबा ने आवेदन भी दे दिया है, हमने ये ले लिया है। तो इतने जितने लोगों को अगर ऐसी दिक्कत है कि सर्वे और चेक के चलते उनके पास, जैसे मान लीजिए कि चेक से दखल कब्जा है, सर्वे से नोटिस चला गया है, तो अगर उनका ऐसा है तो वो अभी लिखित देंगे। लेकिन किसान कह रहे हैं सर कि हमको कोई नोटिस नहीं है, कोई मुआवजा नहीं मिला है, अभी तक कोई हमारे खाते में पैसा नहीं आया, कैसे काम लग सकता है? नोटिस के लिए हम ये अभी हमारे यहाँ पे अंचल में कैंप चल रहा था, तो बहुत सारे लोग, किसानों का पूर्ण रूप से कहना है कि जबरदस्ती हमारी जमीनों को छीना जा रहा है, यही जमीन कार्य हो रहा है। कौन नोटिस दिया गया है यहाँ पे? आप लोगों की जमीन है? नहीं नहीं, हमारे ही खानदान की जमीन है, हमारी लोगों की जमीन है, दिया गया है जमीन यहाँ पे, नोटिस दिया गया है इसी जमीन पे। किसान बताएंगे ना, डर पैदा करके काम कराने का काम कर रही है, जबरदस्ती नोटिस नहीं दिया गया, डर पैदा किया जा रहा है। किसान भोले भाले होते हैं, उनको डरा के काम करा सकते हैं, यही रूल बन गया है इस कंपनी का। नहीं ऐसा बात नहीं है, अभी सर सामने है, बताएंगे और जवाब देना होगा। देखिए कुछ नहीं, आप ही का खेत है जी, नोटिस मिला है? नहीं मिला है। तो चूंकि ये लोग हैं और चूंकि बताएंगे ये लोग, और नहीं तो फिर इन लोगों को अपना सामान लेकर के वापस जाना होगा, और प्रशासन की ऐसी क्षमता नहीं है जो आपके। यही स्थिति है कि कंपनी चावल नहीं बनाएगी, चावल किसान पैदा करता है जिसका सभी का भालन पोषण होता है, ये कंपनी चावल बना के दे देगी जो आई है? चावल तो इसमें पैदा होता है ना, भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में ऐसे ऐसे अफसर बने हैं जो पढ़ के अभी बोल रहे हैं कि कहाँ ये किसान आया हुआ है, इसको मिला है कुछ पैसा? कुछ नहीं। आज भारत सरकार का उपक्रम रहा हुआ है, कोई भी परियोजना लगेगा जब तक किसान के मत से, किसान के साथ में बैठ के बैठक करके जमीन को ले सकते हैं, ये जबरदस्ती जमीन, यही किसान का बैठक हो रहा है, किसानों के साथ यही वार्तालाप हो रही है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हमें सुबह में ही सूचना मिली थी, लगभग 7:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि आज धरना वहाँ नहीं, जबकि जहाँ कार्य होगा वहाँ पे धरना दिया जाएगा। हमने कारण पूछा तो कारण ये पता चला कि हमारी जमीन को जबरदस्ती छीना जा रहा है। सही बात है, छीना जा रहा है। यहाँ कटघरवा में हुआ, वहाँ पे 4-5 लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर रात में जाकर के डंटा चलवाई, यही प्रशासन, यही एसजेवीएन का रूल बना, डंटा भी चलवाया गया बना रात में, आपको वीडियो है, आपने चलाया सोशल टीवी माध्यम के, आप ही के माध्यम से चला है वीडियो, टेंट उखाड़ा गया, तिरंगा फाड़ा गया, यही इसी जबरदस्ती के कारण, यही भय दिखाया जा रहा है किसानों में, आइएगा लाठी लगेगा, केस बनेगा। क्या कहेंगे सर? सर यहाँ हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत सारे लोगों को नोटिस नहीं हुआ है, अंचल में लगभग 2-2.5 महीने से कैंप चल रहा है, वहाँ काफ़ी लोग गए भी, काफ़ी लोग नहीं भी गए, बोले कि हमें सूचित नहीं हुआ। हम यहाँ अभी सबके सामने अभी भी कह रहे हैं, वहाँ भी कहें इससे पहले जब हम आए थे, कि जिनको नोटिस नहीं गया है, जिनका सर्वे से हो गया है नोटिस, कई लोग का ये भी मामला था कि हमारा ज़मीन चक से दखल कब्जा है लेकिन सर्वे से नोटिस हो गया है, बहुत सारे लोगों का मामला है, तो हमने यहाँ पे कहा कि चलिए ठीक है, आपको अगर ये कैंप में जाके अगर ये नहीं कहे तो यहाँ लिखित रूप से दे दीजिए, यहाँ पे आज का आंदोलन खत्म होना चाहिए। अब तो आपको क्लियर जानकारी हो गई कि आपके पास भी इस तरीके का कुछ नहीं है। नहीं नहीं, हमारे पास बहुत सारे लोग के पास नोटिस गया है और हुआ भी है, लेकिन इस जमीन का तो नहीं गया है सर। नोटिस जाने से काम हो सकता है सर? नोटिस जाए और काम लगा दीजिएगा, ये बताइए आप तो इतने पढ़े लिखे, हम लोग तो उतना पढ़े लिखे किसान के हैं। हाँ हाँ, एक साथ ही सब कुछ समप कर देंगे तो वैसे बताइए, नोटिस करके आप काम लगवा दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। तो कैसे काम लग गया ये? तो आप तो कह भी रहे कि नोटिस भी नहीं हुआ है। अच्छा, नोटिस कितने लोगों को नहीं हुआ है? आप 2 को नोटिस लगा के सबके काम कर दीजिएगा। किसी को नहीं मिला, हम लोग सोचते थे लोकतंत्र, ये राजतंत्र से भी बेहद है, ये अंग्रेजों से भी बड़ा अन्याय किसानों के साथ हो रहा है, अंग्रेज जो अन्याय नहीं करके गए, यहाँ हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसी लोकतंत्र के लिए सरकार बनती है, वोट मांगना होता है, गली गली आकर के वोट मांगते हैं और बनवानी करने लगते हैं।
2013 के रेट में कहा किसी का नौकरी का किसी ये नौकरी पर हैं, ये सर जो नौकरी पर हैं इनको 2013 वाला रेट मिल रहा है। आज तक दो साल में पर्सद दो साल में डीएम साहब रेट बढ़ता है, एक रुपया रेट नहीं बढ़ा है 13 से। किस हिसाब से किसान दे दें, कैसे दे दें बताइए आप। तो क्या कहेंगे सर अंत तो गतवा भी आज का जो जिस तरीके से नोटिस नहीं मिला है बहुत सारे लोगों को, क्या कहेंगे आज के नोटिस के लिए? हम यही कह रहे हैं कि देखिए कैंप 2-2.5 महीने से लगा था, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं था मामला कि नोटिस के लिए कैंप लगा हुआ है। तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि जिनको अगर ये नहीं भी है वो आज भी दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। हम मौखिक प्रचार बहुत सारे रैयतों से बात किए कि उनका कोई भी मामला है आप कागज़ लेके आइए, यहीं पे आइए। अगर आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कैंप में कोई बैठता नहीं है या कोई कैंप में कोई सुनेगा नहीं, हमने कि इतना धरना प्रदर्शन में हम लोग भी गए, आप लोग वही सब लोग जितने लोग का जो ग्रीवांसेज है वो लिखित रूप से कागज़ के साक्ष्य लगा के आप वहीं पर दिखाइए, हम अपने वरीय पदाधिकारी को वही एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि ये अभी जैसे बहुत सारे बेसिक बात है कि नोटिस ही नहीं हुआ, कई सारे ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं ना, तो जब इतना कैंप हुआ आप बहुत बोलिएगा, अभी हम समाप्त करके जा रहे हैं ठीक है ना, आप दिन भर बोलिएगा तो यही हम समाप्त कर कि इतनी बार हम धरना में हम भी गए, आप लोग भी काफ़ी लोकतांत्रिक तरीके से बैठे धरना में, तो आप लोग भी जितने आपके रैयत भाई बंधु हैं जिनको नोटिस नहीं गया खेत का कागज़ है उनसे आप आवेदन लगा के जो भी प्राधिकृत वहाँ अधिकारी गण आते हैं आप वहीं ही सौंप दीजिए। अब हम मुझे लगता है कि 2 महीने से ये हो रहा है कार्यक्रम, लगभग आप लोग 2 महीने से शांति 2 महीने से ऊपर हो गया लेकिन हाँ 81 दिन हो गया आप, तो अगर हम उसको पकड़ें 2 महीने से भी 2 महीने भी पकड़ें तब से अगर इतने में भी सारे रैयत बंधु आप ही लोग के माध्यम से लिखवा लिया होता कि इनके पास नहीं गया इनके पास नहीं भाई लाओ तुम अपना कागज़ लगा के आवेदन लगा के यहीं पे लोग आते हैं हम लोग काम नहीं। नोटिस की बात तो एक अलग बात है लेकिन जो मुआवजे की बात है जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि जो रेट 2013 में तय हुआ था वो 2023 में किस तरीके से या 22 में किस तरीके से उतने रेट पे मिल सकता है? रेट के निर्धारण के लिए हम प्राधिकृत नहीं है लेकिन रेट के निर्धारण के लिए मुझे जहाँ तक संज्ञान में है ये भी आंदोलन का ही एक हिस्सा है जो इसी के चलते काफी आंदोलन चल रहा है। रेट निर्धारण के लिए इन लोगों की इनके जो भी प्रतिनिधि हैं और हमारे वरीय पदाधिकारी हैं उनके बीच में मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में निर्णय एक किसी पॉइंट पे ये लोग पहुँचे हैं और उसके क्रियान्वयन का क्या है वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश पांडे, राजस्व पदाधिकारी चौसा SJVN नहीं चौसा अंचल चौसा अंचल चौसा ठीक है थैंक यू। चलिए आइए और हम आपको दिखाते हैं जहां ये पदाधिकारी है, चूंकि पदाधिकारी तो अपनी सीमाओं के अंदर ही बोलेंगे, किसान है भाई, खेत जा रही है, जमीन लूटी जा रही है। ये देखिए यहां पे गेहूं बोया गया था, चूंकि पदाधिकारी है तो पदाधिकारी के हिसाब से ही बात करेंगे। आइए आपको हम दिखाते हैं किसानों का खेत में गेहूं बोया गया था लेकिन जो जिस तरीके से पदाधिकारी का कहना है कि हमको जो ड्यूटी दी गई है करेंगे लेकिन किसानों की जो ड्यूटी है, किसान अपनी जमीन जब छीनी जा रही है तो इस तरीके की गतिविधि आपको देखने को मिलेंगी।